बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ टीचर फहमारा। हाउ आर यू क्लास सिक्स? आई होप दैट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यू ऑल विल बी परफेक्टली फाइन। नाउ वी स्टार्ट आवर लेक्चर ऑफ ग्रामेट्री, सो ओपन योर बुक पेज नंबर 19, चैप्टर नंबर 5, टॉपिक आर्टिकल। बच्चे, लेक्चर से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मेरी कोशिश होगी आपको लेक्चर वैसे ही दिया जाए जैसे क्लास में दिया जाता था। मैं पहले आपको टॉपिक से रिलेटेड खुद अपनी वर्डिंग में समझाऊंगी, इसके बाद लास्ट में एक्सरसाइज आपको बुक पर सोल्व करवाई जाएगी। इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि टीचर जो एग्जांपल दे रही हैं वो बुक में नहीं है। सबसे पहले तो आपने लेक्चर को ध्यान से समझना है, ठीक है? लेक्चर को समझते वक्त आपने बुक पर नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ आपने वो चैप्टर निकाल के रख लेना है जो पेज नंबर 19 मैंने आपको बताया है। फिर आपने लेक्चर को ध्यान से सुनना है और लेक्चर सुनने के बाद आपने एक्सरसाइज को बुक पर फिल करना है। फिल करते वक्त बच्चे आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब आपने एक्सरसाइज फिल करनी है, डेली का डेली लेक्चर आपने देखा करना है और बुक पर एक्सरसाइज फिल किया करनी है, और बुक पर एक्सरसाइज फिल करने के बाद डेट डे मेंशन करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि किसी भी वक्त आपको मैसेज दिया जाएगा कि आप बुक्स और कॉपीज स्कूल में आके चेक करवाएं। नाउ वी स्टार्ट आवर लेक्चर, चैप्टर नंबर 5, आर्टिकल्स, पेज नंबर 19, टॉपिक आर्टिकल एंड एक्सरसाइज ए, लेक्चर नंबर 1, आर्टिकल। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। हम देखेंगे कि आर्टिकल का मतलब क्या है और सेंटेंस में आर्टिकल को किस जगह पर लगाया जाता है। आर्टिकल का मतलब है किसी तहरीर का जुज़ या किसी तहरीर का हिस्सा। आर्टिकल नाम से पहले लगाया जाता है। ए, एन और दी, ये तीनों आर्टिकल हैं। आर्टिकल यूज़ करते वक्त ये बात जहन में रखें कि नाउन से पहले अगर ए आर्टिकल आएगा तो किस वजह से आएगा, अगर एन आर्टिकल आएगा तो किस वजह से आएगा, और अगर नाउन से पहले दी आएगा तो किस वजह से ये आर्टिकल आएगा। मज़ीद हम इन्हें डिफरेंट एग्जांपल में यूज़ करके देखते हैं कि किस सेंटेंस में कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा और किस वजह से यूज़ होगा। ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल्स का मतलब ऐसे आर्टिकल्स जो पर्टिकुलर नाउन के लिए इस्तेमाल नहीं होते। पर्टिकुलर जो नाउन के लिए इस्तेमाल होता है वो दी का इस्तेमाल होता है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम लेक्चर में ए और एन का इस्तेमाल देखेंगे। तो ए और एन जो है ये सिंगल नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हमने ये देखना है कि ए का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है और एन का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। अगर नाउन का फर्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट होगा तो नाउन से पहले ए आएगा। आप जानते हैं कि कॉन्सोनेंट वर्ड्स कौन से होते हैं और वोवल्स वर्ड्स कौन से होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब वोवल्स हैं। इसके अलावा अल्फ़ाबेट्स के जितने भी वर्ड होते हैं वो सारी कॉन्सोनेंट होती हैं। अगर नाउन का फर्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट होगा तो नाउन से पहले ए का इस्तेमाल होगा। अगर नाउन पर्टिकुलर नाउन हो, मतलब कि किसी इंस्टीट्यूट का नेम हो, किसी सिटी का नेम हो या किसी कंट्री का नेम हो और उसका फर्स्ट वर्ड वोवल हो, तो तब ए का इस्तेमाल ही होगा, एन का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि पर्टिकुलर नाउन के साथ ए का इस्तेमाल ही किया जाता है, एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, चाहे वो वोवल का वर्ड हो चाहे कॉन्सोनेंट का वर्ड हो। अब आप पहला सेंटेंस देखें, शी रीड्स इन अ यूनिवर्सिटी। शी रीड्स, वो पढ़ती है इन अ यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी में। अब यहाँ पे हमने ए आर्टिकल इस्तेमाल किया तो हमने कैसे किया ये देखें। नाउन को देखें, यूनिवर्सिटी, यहाँ पे हमारे पास नाउन है तो यहाँ पे जो नाउन है इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो यू है, मतलब कि वोवल है, लेकिन यहाँ पे हमने ए इस्तेमाल किया है, एन क्यों नहीं। तो अभी आपको मैंने बताया है, ये ज़रा जहन नशीन करें बात, कि बच्चे यहाँ पे बताया गया है कि यूनिवर्सिटी जो है ये एक पर्टिकुलर नाउन है, इस वजह से यहाँ पे हमने ए का इस्तेमाल किया है, आर्टिकल एन इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर नाउन होगा तो तब भी उसका जो फर्स्ट वर्ड जो है चाहे उसका वोवल है, लेकिन उससे पहले हम आर्टिकल ए ही इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें, शी बॉट आर ड्रेस फॉर हर सिस्टर। शी बॉट, उसने ख़रीदा आर ड्रेस, एक लिबास, फॉर हर सिस्टर, अपनी बहन के लिए।
अब यहाँ पे ड्रेस जो है ये नाउन है, इसका फर्स्ट वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट है, मतलब कि डी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हम डी को देख के लगाएंगे, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट अगर वर्ड है तो यहाँ पे हम ए का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे आर्टिकल जो ए है इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास एन। अगर किसी नाउन का फर्स्ट वर्ड वोवल होगा तो नाउन से पहले एन का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पे देखें, शी इज़ ईटिंग एन एप्पल, वो एक सेब खा रही है। एप्पल जो है नाउन है ये, और इसका फर्स्ट वर्ड जो है वो ए जो है वो वोवल है, इसलिए यहाँ पे हमने एन का इस्तेमाल किया। इसी तरह से आप नेक्स्ट सेंटेंस देखें, देयर इज़ एन आंट इन योर कप ऑफ टी, तुम्हारे चाय के कप में एक चींटी है। अब यहाँ पे जो आंट है ये नाउन है, तो इस आंट का जो ए है वो वोवल है, फर्स्ट वर्ड वोवल है ए, तो इस वजह से इसके शुरू पर जो आर्टिकल है वो हमने एन का इस्तेमाल किया। पेज नंबर 19 निकालें और एक्सरसाइज ए सोल्व करें। बच्चे अब आप एक्सरसाइज ए का फर्स्ट सेंटेंस देखें, इसमें आई नाउन है, नाउन का जो फर्स्ट वर्ड है कॉन्सोनेंट नहीं वोवल है, वोवल है तो यहाँ पे एन आएगा। सेकंड सेंटेंस देखें, सेकंड में प्रोफेसर नाउन है और नाउन का जो फर्स्ट वर्ड है यानी कि पी जो है ये कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे इसलिए ए आएगा। इसी तरह से अपनी सारी एक्सरसाइज सोल्व करनी है।